Hello friends, for watching more videos, subscribe my channel and click the bell icon. Hello friends, मैं हूँ अर्चना जैन और the Queen of Kitchen में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिससे आपके खाने का स्वाद और भी लजीज हो जाएगा। आज हम बनाने वाले हैं आम का यूज़ करके हल्दी का अचार। वैसे तो हल्दी के अचार में ज़्यादातर नींबू का यूज़ करते हैं, लेकिन हम आम का यूज़ करेंगे जो बिल्कुल ही टेम्प्टिंग और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए बनाते हैं अचार। लेकिन इससे पहले कि हम रेसिपी शुरू करें, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए अपडेट्स आप तक पहुंच जाए। कच्चे हल्दी का अचार बनाने के लिए हमने फ्रेश हल्दी ली है, 10-12 पीस लिए हैं मैंने फ्रेश हल्दी के। 2 कच्चे आम लिए हैं। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, मूंगफली का ऑयल है ये, आप चाहे तो सरसों का ऑयल भी इसमें यूज कर सकते हैं। और ये ली है मैंने 4 टेबलस्पून सरसों की दाल, जिसे हम थोड़ा सा मिक्सर में क्रश कर लेंगे। 2 टेबलस्पून नमक लिया है और 1 टेबलस्पून से थोड़ी सी कम मैंने लाल मिर्च पाउडर ली है। आपको कितना स्पाइसी चाहिए अचार, इस पर यह डिपेंड करता है कि आपको लाल मिर्च पाउडर कितनी लेनी है। ये मैंने लौंग और ब्लैक पेपर लिए हैं, 8-10 लिए हैं दोनों भी। मेथी दाना 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मैंने लिया है सौंफ, और 1 टीस्पून हम इसमें यूज करेंगे हींग। तो चलिए सबसे पहले हम आम को कद्दूकस कर लेते हैं और हल्दी को भी हमें छीलकर कद्दूकस करना है। ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है, जब तक कि इससे थोड़ा सा धुआं ना निकलने पाए तब तक हम इसे गरम करेंगे और बाद में हमें इसे गुनगुना गरम रहने तक ठंडा कर लेना है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हल्दी को छीलना कैसे है। इसकी ऊपर की जो स्किन है उसे निकाल देना है। आप चाहे तो हाथ में ग्लव्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि हल्दी से जो है हाथ में स्टेन्स लग जाते हैं, येलो येलो हाथ हो जाते हैं। इसकी पूरी जो स्किन है हमें निकाल देनी है। तो देखिए हमने इसे पूरा छील लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे कद्दूकस करना है। जो बड़े वाले होल्स हैं हम इससे कद्दूकस करेंगे, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े ही हमें इसके बाइट्स चाहिए। देखिए इस तरह से हमने इसे मोटा मोटा कद्दूकस कर लिया है। इस तरह से मैं सभी जो हल्दी है हमारी उसे कद्दूकस कर लूंगी और आम को भी कद्दूकस कर लूंगी। कच्ची हल्दी और आम दोनों को कद्दूकस कर लिया है हमने, और तेल जो है पूरा ठंडा हो गया था तो मैंने इसे थोड़ा गुनगुना गरम कर लिया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा गुनगुना गरम ही तेल चाहिए। अब हम इसमें डाल देते हैं लौंग और काली मिर्च, और इसी में हम डाल देंगे मेथी दाना। अब हम इसमें सौंफ डाल देते हैं। अब इस गुनगुने तेल में ही हम राई जो है वो भी डाल देंगे। नमक और लाल मिर्च पाउडर ये भी इसमें डाल देते हैं, और हींग पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अभी तेल जो है गुनगुना गरम है तो इसे एकदम ठंडा तेल करना है हमें। अगर हम गुनगुने तेल में या गरम तेल में अचार करेंगे तो जल्दी से खराब हो जाता है, इसलिए इसे बिल्कुल ठंडा कर लेना है।
तेल और मसालों का जो मिश्रण है इसे हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है और ग्रेट की हुई कच्चा आम और कच्ची हल्दी दोनों को हमने अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसी में मसालों का ये जो मिश्रण है तेल का वो भी अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। अगर आपको अचार जो है अच्छे से स्टोर करके रखना है और एकदम स्वादिष्ट यूनिक अचार आपको बनाना है तो बीच बीच में मैंने जो टिप्स आपसे शेयर की है आप उसे ज़रूर फॉलो करिए और अचार ज़रूर ट्राई कीजिए। कच्चे हल्दी का अचार ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में बनाया जाता है, तब उसमें नींबू का यूज़ करते हैं। हम इसमें आम का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अभी आम का सीज़न चालू है तो कच्चे आम का यूज़ करके हमने ये अचार बनाया हुआ है। ये बिल्कुल स्वादिष्ट है और ऐसा यूनिक अचार अगर आप घर पर बनाएंगे तो मैं श्योर हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई भी करिए। इसे हम महीनों तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। तो लीजिए, कच्चे आम से बना हल्दी का अचार बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साइड में जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करिए।